सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक, सजेशन या आइडिया हो जिससे ये चैनल ग्रो हो सके, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से किसी को पता है कि कितने लोगों की मौत हुई है डिटेक्टिव कॉनन सीरीज में? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं गूगल करके देखा तो मुझे पता चला कि टीचर डार्क स्नेल स्काई आई ब्लॉगर ने 4 महीने लगातार रिसर्च करके 1994 से दिसंबर 2021 तक, मतलब 28 साल और 1084 एपिसोड तक डेटा निकाल के लाए हैं। तो हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले कि इनका डेटा कितना अच्छा है। पहले हम लोग केसेस को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो मांगा में टोटल 505 केसेस कंप्लीट हुए हैं, जिनमें से 288 मर्डर केस है, 22 अटेम्प्टेड मर्डर केस है, 41 सुसाइड केस है, 18 किडनैपिंग केस है, 15 चोरी का केस है जिनमें से 5 रॉबरी थी, और 4 ड्रग केस है। 18 किडनैपिंग केस में 3 बार आउमी बुरी तरह किडनैप हुई थी और 6 बार होस्टेज बनाई गई थी। और जो 15 चोरी का केसेस है उसमें से 12 तो काइटो किट ने ही अकेले किया है। दूसरा बात करते हैं लोकेशन, कहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो सबसे ज्यादा क्राइम टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सिटी में होता है, जहां कोनन रहता है। उसके बाद गुनमा प्रेफेंचर, क्योंकि उधर यामामुरा रहता है। तो आप पूछोगे तो हथौड़ी जहाँ रहता है ओसाका वहाँ पे नहीं होता? वहाँ पे होता है, लेकिन गुनमा की तरफ उतना नहीं होता। डेड काउंटिंग, मतलब कितने लोग एक एपिसोड में मरे हैं या फिर एक कंटिन्यूटी एपिसोड में। तो हमें पता है द कोलिजन ऑफ रेड एंड ब्लैक द ट्रूथ ऑफ रॉन्ग कॉल एपिसोड में केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोड हुआ था, जिसमें 100 लोग घायल हो गए थे। 326 लोग मेल थे, 163 लोग फीमेल और 52 अननोन जो लोग मरे थे, जिनमें से जो ज्यादा लोग थे वो 20 से 29 के एज में थे और 14 लोग 28 साल की उम्र में थे। चौथे बात करते हैं हथियार वेपन्स को लेके। तो 76 लोग को शार्प वेपन से मारा गया था और 35 लोगों को पॉइजन देके। अभी बात करते हैं एनेस्थेसिया नीडल को लेके। वैसे इससे मौत तो नहीं होती, लेकिन कोनन बहुत ही ज्यादा इसे यूज करता है। कोनन ने अभी तक 90 नीडल इस्तेमाल किए हैं, जिनमें से 58 बार मोरी कोगोरो के ऊपर इस्तेमाल किए हैं और 13 बार सुजुकी सोनो के ऊपर। गर्दन के ऊपर 53 बार, दाहिने गर्दन पर 23 बार, बाएं गर्दन पर 12 बार, गर्दन के पीछे 16 बार और गर्दन के सामने 2 बार इस्तेमाल किया है। लेकिन जब से आमुरो आया है तब से कोनन बहुत कम ही इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसकी आइडेंटिटी बाहर ना आ जाए। तो गाइस, यही तक था आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे भी अच्छा लगा ये वीडियो बनाते हुए, मुझे भी थोड़ा डिटेक्टिव कोनन के अंदर का राज पता चल गया। और मैं बिग थैंक दूंगा टीचर डार्क स्नेल स्काई आई ब्लॉगर को, जिसने इतनी अच्छी तरह से ये ब्लॉग को लिखा है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, यही तक था आज का वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।